हेलो एवरीवन, आज हम IFM बिजनेस स्कूल का रिव्यू अभी करने वाले हैं। IFM बिजनेस स्कूल डेफिनेटली बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर है, वन ऑफ द रेनाउंड एंड प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। अगर हम बी स्कूल्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम IFM बिजनेस स्कूल को इंक्लूड करेंगे। नाउ इट इज नोन एज सेठ जगदीश स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फॉर्मली डिवोर्स IFM। IFM को आज हम कवर करेंगे, इसको 360 ओवरव्यू एक हम डालेंगे ताकि स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी मिले कि IFM अगर है तो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या USP है। तो आज हम इस वीडियो में कोलैबोरेशंस इंसेप्शन कब हुआ है, प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर करते हैं, प्लेसमेंट पैकेज एवरेज हाईएस्ट क्या ऑफर किया है इंस्टीट्यूट ने। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एक्रीडेशन। डेफिनेटली बोथ एक्रीडेशन आर देयर विद IFM, दे आर UGC एंड AICTE अप्रूव्ड। NACA मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इट इज NACA, सो NACA एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर एक इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं जिसके पास NAC जैसे एक्रीडेशन है तो आप क्वालिटी के लिए वैसे भी सेटिस्फाई होंगे, डेफिनेटली तभी उनको NACA एक मिला है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी काफी अच्छी हैं, इनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं। तो जो इनके सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं उसके लिए आप इन कॉलेजेस में, इन यूनिवर्सिटी में जाके आपके कुछ मॉड्यूल्स कवर होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स यहाँ पर एक्सेप्टेड हैं। तो ऑल मेजर एंट्रेंस एग्जाम लाइक ZAT, CMAT, CAT, NMAT, ATMA एक्सेप्टेड विद IFM बिजनेस स्कूल। आप ही सोच रहे होंगे कि एक प्रेस्टीजियस बिजनेस स्कूल है जिसकी रेटिंग्स काफी अच्छी हैं, काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो इसकी फीस डेफिनेटली फीस ऑन अ हायर साइड है। दो प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर करते हैं, PGDM इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड PGDM इन मार्केटिंग फाइनेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स। PGDM अगर IB की मैं बात करता हूं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव कोर्स है बिकॉज इट इज ओनली मेंट फॉर IB, स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन स्पेशलाइजेशन विल स्टार्ट। ये कोर्स आपको 18 लाख के बजट में आता है। डेफिनेटली बहुत तरह की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, सुपर स्कॉलरशिप्स आपकी अवेलेबल है, इसके अलावा एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप अवेलेबल है, बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ 30 सीट्स हैं व्हेन वी टॉक अबाउट PGDM इन इंटरनेशनल बिजनेस। अगर हम बात करते हैं जो मैंने आपको इससे पहले कोर्स बताया जो कि एक नॉर्मल स्पेशलाइजेशन कोर्स है, जो ट्रेडिशनल MBA स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं वैसे ये PGDM स्पेशलाइजेशन कोर्स है, मार्केटिंग फाइनेंस HR एंड बिजनेस एनालिटिक्स। तो इसकी फीस 12 लाख है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिन स्टूडेंट्स का बजट थोड़ा सा कम है बट स्टिल दे वॉन्ट टू ज्वाइन अ प्रीमियर बी स्कूल्स ऑफ इंडिया, तो वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली दे हैव एड ऑन, आप इसमें इंटरनेशनल टूर एड कर सकते हैं इन केस यू वॉन्टेड टू, अदरवाइज द फीस विल रिमेन 12 लैक्स फॉर कंप्लीट 2 ईयर्स। IFM की अगर हम बात करेंगे कि अभी तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज क्या गया है, तो लास्ट टू लास्ट ईयर दे हैव मेंटेन अ पैकेज ऑफ 16,50,000 एनुअली की मैं बात कर रहा हूँ। एवरेज इनका 8 से 9 लाख मेंटेन रहा है पिछले कुछ 5-6 साल से, सो आई गेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी है इस इंस्टीट्यूट की। 2018 एंड 19 में दे वर द ओनली इंस्टीट्यूट हु कुड कंप्लीट देयर 100% प्लेसमेंट्स, एज इन यू नो देयर स्टूडेंट्स वर प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब कोर्स कंप्लीट होने से पहले उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिल गया था। कंपनीज की बात करेंगे तो जितने भी मेजर कंपनीज हैं, बिग फॉर्च्यून कंपनीज, जो भी कंपनीज आज अच्छा कर रही है मार्केट में, ऑल कंपनीज दे कम फॉर रिक्रूटमेंट इन IFM बिजनेस स्कूल। जस्ट टू नेम अ फ्यू, Oracle इज देयर, Infosys, ITC, Nestle इज देयर, Cognizant, PricewaterhouseCoopers, तो जितने भी मेजर कंपनीज जो एक स्टूडेंट की ड्रीम कंपनी होती है, दोस कंपनीज दे डेफिनेटली कम टू IFM फॉर द रिक्रूटमेंट पर्पज, फॉर द प्लेसमेंट पर्पज। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस इंस्टीट्यूट में आपको एक रिटन एग्जाम देना होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोरोना 2019 में रिटन एग्जाम नहीं हुआ था, तो जितने भी मैंने आपको एंट्रेंस एग्जाम बताए थे कि जो एक्सेप्ट होते हैं उसके बेसिस पे प्लस देयर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू दे हैव शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स। डायल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में मैं एक चीज आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ, यू नो बहुत ही कम बी स्कूल्स हैं इंडिया में जो सिर्फ मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, एज इन दे ओनली हैव मैनेजमेंट कोर्सेज इन द किटी विच इज जस्ट PGDM एंड BBA, एंड IFM इज वन ऑफ देम, एंड दैट्स द रीजन आई वुड से कि कैंपस मैं अगर बहुत बड़े कैंपस की बात करूँ तो IFM का कैंपस बहुत बड़ा नहीं है पर उतना सफिशियंट है जो एक मैनेजमेंट स्टूडेंट को चाहिए। बिकॉज अगर हम बाकी फैक्टर्स की बात करेंगे, बाकी रेटिंग की बात करेंगे जो डायल एजुकेशन .com की टीम ने IFM को दिया है, तो फैकल्टी को 9 out of 10। फैकल्टी का यहाँ पे मैं जरूर मेंशन करूंगा कि जितने भी वर्ल्ड की बेस्ट फैकल्टीज हैं इन HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस स्पेसिफिकली, यू विल फाइंड एट IFM कॉलेज।
इंफ्रास्ट्रक्चर-वाइज इट इज अ डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अ वेरी स्टाइलिश इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा नहीं है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, तो वहां पे हमने इसको रेटिंग 9/10 दी है. प्लेसमेंट्स 9/10, सो ओवरऑल जो रेटिंग डायल एजुकेशन दी है दैट इज 8.8. तो अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा IFIM की, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है. अगर आप एक 12 लाख वाला कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, वो परस्यू कर रहे हैं, और आपकी प्लेसमेंट्स अगर आपको एक एवरेज 8-10 मिल जाता है, आई एम श्योर विद अ ब्रांड लाइक IFIM विच इज NAAC AACSBI accredited भी है, जो एक और क्वालिटी मेजर है, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज, वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज आर टीचिंग यू एंड दे आर मेकिंग यू फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, सो आई एम श्योर इज वर्थ टेकिंग एडमिशन एट IFIM. बाकी इन्फॉर्मेशन हमारी माइक्रोसाइट जो dialeducation.com पे हमने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है फॉर IFIM विच इज नाउ सेठ जगदीश स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. सो काइंडली लॉग इन टू आर वेबसाइट एंड यू नो यू कैन सी एज मच डिटेल्स एज यू वांटेड. रेस्ट अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, अगर स्टूडेंट्स कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप ये कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं एंड आई एम श्योर आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. रेस्ट, बी सेफ एंड विश यू ऑल द बेस्ट.